शॉर्ट किलर को लेके बहुत सारे कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट आ रहा था, सो मैं भी बोला था शॉर्ट किलर का बारे में वीडियो एक्सप्लेन करूँगा, सो उसके लिए मुझे पैनल नहीं मिल रहा था। आज मुझे एक पैनल मिला जो 50 इंचेस टीवी है, जो सैमसंग का पैनल लगा हुआ है, लेकिन सोनी का टीवी है ये, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सैमसंग का पैनल है, इस टाइप का पैनल में ज़्यादातर आपको क्या पिक्चर मिलेगा, जो नो डिस्प्ले है, नो डिस्प्ले मिलेगा और वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। सो इसका क्या करना है, दोनों साइड से सी के बी लाइन्स को काट करना है अगर वोल्टेज ड्रॉप है तो, क्योंकि ये जो गेट डाइवर सी के बी लाइन्स होते हैं, स्कैन डाइवर का आउटपुट सिग्नल्स, तो ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो शॉर्ट सर्किट है जो साइड में, इसी साइड में शॉर्ट सर्किट है, तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी रख लिया, क्योंकि ताकि हम शॉर्ट किलर को कैसे यूज़ करते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ज़्यादातर यूट्यूब पर वीडियो दिखाया गया है, जो है वो सिंगल कॉफ में ज़्यादातर शॉर्ट किलर यूज़ किया गया, लेकिन मैं सोचा सेम वीडियोस ना बनाऊँ, इसीलिए एक दूसरा पैनल हम यहाँ पर अप्लाई किया। देख सकते हो आप, जो पॉइंट पर शॉर्ट है उस ट्रैक को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया, और यहाँ पे जो शॉर्ट दिखा रहा है वो 277 ओम्स दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी शॉर्ट किलर यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 25 वोल्ट से इसको मैनुअल में अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, अभी ये मैनुअल तरीके से किया जा रहा है, जो स्विचिंग पल्स होते हैं, ठीक है। और इसको डायरेक्ट आपको क्या नहीं करना है, ऐसे वोल्टेज जैसे चेक होता है वैसा नहीं करके रखना है, ठीक है, नहीं तो पिक्सेल बर्निंग हो जाएगा। सो जैसे ही शॉर्ट किलर यूज़ हुआ उसके बाद ये चेक करना है कि कोई चेंजेस आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो हम लोग और एक बार अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 20 वोल्ट में ही, 25 वोल्ट में ही और एक बार अप्लाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है और प्रॉब्लम बिगड़ भी सकता है। सो ये टोटली रिक्स है, मतलब पैनल अगर गलती होगा तो पैनल ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस है। तो अभी हम लोग यहाँ पर 40 वोल्ट में सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि 20 वोल्ट में कोई चेंजेस नहीं आया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 40 वोल्ट को अप्लाई किया, अब वापस इसको चेक करेंगे, यहाँ पर 40 वोल्ट अप्लाई करने के बाद भी चेंजेस नहीं आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और एक बार अप्लाई करेंगे। सो इसमें अभी भी शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है, जो 265 ओम्स अभी भी दिखा रहा है, मतलब शॉर्ट रिमूव नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर इस वोल्टेज में काम नहीं होता है तो हम वोल्टेज लेवल को अप करेंगे एंड उसके बाद और एक बार अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो, अभी इसको 60 वोल्ट पर सिलेक्ट कर दिया। सो 60 वोल्ट में इसको हम क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैन्युअली किया गया, और उसके बाद क्या है, वापस चेक करना है, शॉर्ट क्लियर यूज़ करने के बाद फिर वापस उसके अंदर चेक करना है कोई ओम्स अभी भी है या नहीं है। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी जो ओम्स दिखा रहा है वो मेगा में शो अप हो रहा है, थोड़ी देर पहले कितना ओम्स था, 200 ओम्स था, अभी मेगा ओम्स में आ गया। सो मतलब शॉर्ट यहाँ पर रिमूव होना स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेगा ओम्स में आ गया, तो हम इसको कम्प्लीटली शॉर्ट को रिमूव करने के लिए और एक बार अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मेगा ओम्स है।
सो 60 बोल पा रही। और एक बार यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेगा ओम्स दिखा रहा था अभी कोई ओम्स शो नहीं हो रहा है, मतलब 0 ओम्स में आ गया। जो शॉर्ट सर्किट है वो अभी इसमें रिमूव हो गया है। सो यहाँ पर जितना भी ट्रैक कटिंग किया था मैंने उन सारी सीके भी लाइंस को फिर से मैंने वापस कनेक्ट कर दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस साइड में भी वापस जोड़ दिया दोनों साइड को, ठीक है। अभी हम पिक्चर लाए इसके अंदर चेक करेंगे कि जो पिक्चर है वो सही तरीके से बना कि नहीं बना, फिर उसके बाद और थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी ट्रैक को मैंने ब्लॉक किया था और इस साइड से इन सारी ट्रैक को। सो यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर जो पिक्चर है नीट एंड क्लीन है, कोई लाइंस वगैरह नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आते हैं वो इसके अंदर कोई नहीं आया है। अभी जितना भी ये वाला पैनल है सैमसंग की, सो इस पैनल में ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको इसी साइड में मिलेगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा लेफ्ट साइड में है ये। सो इस टाइप का प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादातर क्या मिलेगा आपको, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। जो जितना भी इस स्कैन ड्राइवर का आउटपुट है वो आउटपुट भी नहीं आएगा और वी ऑन AVDD सारे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। सो इसका क्या सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ से आपको ब्लॉक करके आइडेंटिफाई करना है कि वोल्टेज सारी जनरेट होता है कि नहीं होता है। और इसी साइड में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है जो मैंने आपको दिखाया था। सो इस शॉर्ट सर्किट के लिए जो वोल्टेज है ड्रॉप हो जाता है और ये इधर से अगर आप कट कर दियोगे तो क्या होगा, पिक्चर बन जाएगा लेकिन उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगे। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर रिमूव करना है तो उसका जो पेयर में शॉर्टिंग्स है वो शॉर्टिंग्स को रिमूव करना पड़ेगा। और ये जो शॉर्ट किलर है ये सैमसंग पैनल में ही ज़्यादातर काम करता है, बाकी अदर्स पैनल में मेरा एक्सपीरियंस में अभी तक उतना खास काम नहीं किया। सो ये जो सैमसंग पैनल होता है ज़्यादातर इसी पैनल में काम करता है लेकिन सारी पैनल में काम नहीं करता है, ठीक है। सिंगल कॉफ का जो पैनल है उसमें काम करता है ज़्यादातर। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पैनल का भी शॉर्ट रिमूव हो गया और पिक्चर भी बन चुका है। सो फाइनल TV पैक कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा पिक्चर नीट एंड क्लीन है। और मैं आपको ये बताऊँगा कि शॉर्ट किलर का अभी एक पार्ट हम लोग देखा, इसके अलावा और भी कुछ वीडियोस आगे आएंगे, लेकिन कितना परसेंट लोग हैं जो शॉर्ट किलर यूज़ करते हैं। अगर आप शॉर्ट किलर यूज़ करते हो और आपका क्या एक्सपीरियंस है आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। जितना लोगों के पास शॉर्ट किलर है वो कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपके पास शॉर्ट किलर है, तो मैं उस अकॉर्डिंग में आपको गाइडलाइंस करूँगा कि और कौन सा पैनल है जो शॉर्ट किलर से रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन इसका जो है बहुत रिस्की का है शॉर्ट किलर, अगर आप एक गलती करोगे तो जो पैनल होता है इसका पिक्सेल डैमेज हो जाएगा। जो ये पैनल का पिक्सेल है ना ये डैमेज होने लग जाएगा अंदर से, अगर उसके अंदर कोई आपका मिस्टेक होगा या तो वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा। अगर शॉर्ट रिमूव नहीं होता है उस केस में भी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो डिस्प्ले इंटरनल है वो लिक्विड डैमेज टाइप का हो जाएगा, आपका पिक्सेल बर्निंग हो जाएगा, ठीक है, तो ब्लैक स्पॉट बनने लग जाएगा। सो
उसका मतलब जितना भी पैनल रिपेयर नहीं होता है उसका भी मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स बनाऊंगा और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही है।